नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको चार बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई आजम खान साहब ने, फाउंडर मेंबर आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के, 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हूं अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई है। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बनाते, सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, और आप नेता विपक्ष बनेंगे, आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, आप तो वैसे भी एक्स सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए, और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद, मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में कहा, समाजवादी पार्टी मुसलमान रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है, मुस्लिमों को, मुस्लिम लीडरों को खुद से दूर कर रही है, और वह सिर्फ वोट चाह रही है। लेकिन उस वक्त कई सारे मुस्लिम रहनुमा चुप थे, खामोश थे, उम्मीद थी कि शायद चुनाव के बाद अखिलेश यादव की सरकार बने या ना बने, इक्तदार में आए या पोजीशन में आए, उनका रवैया तब्दील होगा, लेकिन अब भी रवैये में तब्दीली नहीं आई है। अपोजिशन लीडर रह करके भी अखिलेश यादव मुसलमानों से नफरत का इजहार करने लगे हैं, मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उनकी पार्टी के कदावर रहनुमा सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेम्बर मोहम्मद आजम खान ने भी बागियाना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मोहम्मद आजम खान अभी जेल में है, लेकिन जेल से ही लगातार उनके शिकवा रहे थे, लेकिन उनके लोग चुप थे, खामोश थे, लबकुशाई नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बर्दाश्त की सभी हदें वो पार कर चुके हैं, पैमाना छिलक गया है। और आजम खान के मीडिया इंचार्ज ने खुल करके कहा है, जिसका कुछ हिस्सा शुरू में आपने स्क्रीन पर सुना, कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव का रवैया बहुत ही गलत रहा, जेल में पिछले एक साल से आजम खान बंद है और सिर्फ एक मर्तबा उनसे मुलाकात करने गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को चार मर्तबा और उनके वालिद समेत मुसलमानों ने आजम खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया, उनकी सरकार बनाई, मुलायम सिंह सेंट्रल हुकूमत में भी मिनिस्टर रहे, लेकिन जब बारी आई अपोजिशन लीडर की तो उसका भी दर्जा आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। रामपुर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फसाहत भी शरीक थे, जो मीडिया इंचार्ज है समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खान के, उसके अलावा उनके पार्टी के आजम खान के चाहने वाले दूसरे लोग शरीक थे। एक जायज़ा लिया गया कि क्या करना है नहीं करना है। उसी मीटिंग में फसाहत ने अपने दर्द का इजहार किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अखिलेश जी, आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, और योगी आदित्यनाथ जो ऐसा कहते हैं तो वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि हमारे कौमी सदर को हम मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। फसाहत अली खान ने आगे कहा कि हमारे पास वो समाजवादी पार्टी नहीं है, हम कहाँ जाए, आजम खान जेल में बंद है, सियासी तौर पर हम यतीम हो चुके हैं, कोई हमारा रहनुमा और रहबर नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने खून का एक कतरा बहाया वो पार्टी अब हमें नज़रअंदाज कर चुकी है। हमारे लीडर मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन एसपी ने, समाजवादी ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया, हमारे कौमी सदर को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। फसाहत ने साफ लफ्जों में कहा कि जो कमज़ोर है उनका कोई पुरसान हाल नहीं, आगे कमज़ोर की तशरीह भी फसाद करते हैं कि कमज़ोर का मतलब होता है मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों ने ही सारा ठेका ले रखा है, अब्दुल ने सारी जिम्मेदारी ले रखी है, वोट भी अब्दुल देगा, जेल भी अब्दुल जाएगा, और अब्दुल बर्बाद भी हो जाएगा, घर की जो करकी हो जाएगी, घर को जब्त कर लिया जाएगा, वसूली हो जाएगी, और कौमी सदर के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वालिद को वज़ीर आला बनाया, हमारे वोटों की वजह से इस बार आपकी 111 सीटें आई हैं, आपकी ज़ात के लोगों ने आपको वोट तक नहीं दिया, लेकिन फिर भी वज़ीर आला आप बनेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी आप ही बनेंगे, कोई दूसरा लीडर अपोजिशन नहीं बन सकता। आपने बीजेपी से हमारी दुश्मनी भी करा दी और सज़ा भी हमें ही मिल रही है, लेकिन मज़े आप ले रहे हैं, ये फसाहत खान का दर्द है। आगे उन्होंने और लिखा, विधानसभा और लोकसभा में आपके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, आप आजम खान से जेल में सिर्फ एक बार मिलने आए हैं, दूसरी बार मिलने की जहमत तक नहीं की, कि तस्लीम कर लिया जाए कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। तो ये पूरा फसाहत खान ने कहा है। फसाहत खान की इस पूरी गुफ्तगू की वीडियो का
कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, आप उसको यहाँ सुनिए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव जी पर निशाना साधा है, क्या मामला है, पूरी जानकारी। देखिए, मैंने निशाना नहीं साधा है बल्कि अपना दर्द बयां किया है, और मैंने मेरा दर्द नहीं है, ये करोड़ों कमजोर लोगों का दर्द है। कमजोर यानी मुसलमान, सीधी सी डेफिनेशन हो चुकी है। अब तो हमारा कौन है, हम किससे कहें, हम वोट दें, हम दरी बिछाएं, हम जेलों में जाएं, हम सजा पाएं, आप नेता विपक्ष बन जाएं। हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको और आपके पिताजी को मिला के मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप तो आजम खान साहब को नेता विपक्ष भी नहीं बना सके। ये दर्द बयां किया है हमने। बार बार आपने अपनी स्पीच में कहा है कि अब्दुल जाएगा, हर जगह अब्दुल जाएगा, वो क्या चीज है भाई? अब्दुली दरी बिछाएगा, अब्दुली जल जाएगा, अब्दुली वोट देगा, अब्दुल यानी मैं, अब्दुल यानी आप, अब्दुल ये, अब्दुल कमजोर लोग, अब्दुल यानी मुसलमान। अब तो कमजोर की डेफिनेशन ही मुसलमान है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष आजम खान को नहीं बना, इससे तो नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई आजम खान साहब ने, फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के, 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हूँ अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई है। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बनाते, सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, और आप नेता विपक्ष बनेंगे, आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। आप तो वैसे भी एक्स सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए, और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। अच्छा, इस बार चुनाव में देखा गया कि अब्दुल्ला आजम और जो वरिष्ठ नेता थे अखिलेश यादव, उनको किनारा करा, ऐसा मतलब पूरे चुनाव में प्रचार नहीं कराया? नहीं, तो वही तो बातें मैं कह रहा हूँ, वही तो बातें मैं कह रहा हूँ, वो तो हमारा नाम लेने से परहेज करते हैं, अब तो हमारा नाम नहीं लेते। अरे भाई, अभी तो विधानसभा में अखिलेश यादव जी की शायद पहली तकरीर हुई है, कई विधायकों को जिक्र किया, वो जो विधानसभा अध्यक्ष बने सतीश महाना जी, 8 बार के एमएलए हैं, उनका भी जिक्र किया, खैर करना चाहिए था, लेकिन आजम खान साहब तो 10 बार के एमएलए हैं, 10 बार के विधायक हैं, उनका जिक्र नहीं कर सकते थे, उनका नाम नहीं ले सकते थे, ये नहीं कह सकते थे कि हमारे नेता आजम खान साहब जेल में बंद है, जबकि समाजवादी पार्टी बनाने वालों में से सिर्फ 2 ही लोग जीवित हैं, एक मुलायम सिंह यादव जी, एक आजम खान साहब। अल्लाह आजम खान साहब की लंबी उम्र करे, उनको हमारी भी उम्र लग जाए। तो आपने सुना आजम खान के मीडिया इंचार्ज को, उन्होंने जो दर्द बयान किया है, और यकीनी तौर पर इतने बड़े लीडर के साथ ऐसा रवैया अगर होगा तो उनके चाहने वाले बेहद परेशान हो जाएंगे, और यही कुछ हो रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? बीच में एक वक्फा ऐसा था जब आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, खाजी रशीद मसूद भी अलग थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने या मुलायम सिंह ने दोबारा आजम खान को अपने साथ मिलाया। इस दौरान आजम खान भी किसी और पार्टी में नहीं गए, सियासत से ही अलग रहे, और अब दोबारा वो समाजवादी पार्टी में आए थे 2012 में, जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो उसमें कलीदी रोल आजम खान ने अदा किया था, और इसी वजह से कई सारी मिनिस्ट्री आजम खान के हाथों में थी। अब एक मरतबा फिर आजम खान को साइड कर दिया गया है, किनारे लगा दिया गया है। चुनाव से पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि आजम खान ने अपने लोगों के लिए कम से कम 12 टिकट का मुतालबा किया था, लेकिन उसको सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रिजेक्ट कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था, और सिर्फ उनको और उनके बेटे को ही टिकट दिया गया था, बाकी उनके किसी भी शख्स को टिकट नहीं दिया गया था। अब दोबारा से उनके लोग बागियाना तेवर अपना चुके हैं, मुखालफत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आजम खान क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तजिया निगार है जनसत्ता की, जो रिपोर्ट है उसमें 3 ऑप्शन बताए गए हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अखिलेश यादव से अलग होकर के आजम खान मायावती की पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट जाता है या फिर मायावती की तरफ जाता है, भले ही मायावती से या बीएसपी से कई मरतबा नाराजगी होती है, लेकिन एक ऑप्शन है कि उससे अलग होकर के मायावती की पार्टी को ज्वाइन कर ले और दोबारा से मायावती की सरकार बना दे। दूसरा ऑप्शन कांग्रेस है, हो सकता है कि मोहम्मद आजम खान कांग्रेस ज्वाइन करें। इससे पहले काजी रशीद मसूद जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों का वोट है, एक बड़ा किरदार अदा करता है, लिहाजा कांग्रेस मोहम्मद आजम खान को यूपी का सदर भी बना दे। और इस वक्त कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी है जिसके लीडर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हाल ही के जितने सारे मामले हुए हैं, मस्जिदों पर झंडा लगवाने का या मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने का या मस्जिदों के सामने जा कर के जय श्री राम का नारा लगाने का, मुसलमानों को उकसाने का, तो इन सारे मामले में अखिलेश यादव चुप हैं, आरजेडी के लीडर तेजस्वी चुप हैं, जितने सारे लीडर हैं सब चुप हैं। अगर कोई अपोजिशन लीडर में से कोई बोल रहा है तो उसमें पहला
मेरा नाम राहुल गांधी का रहा है या फिर प्रियंका गांधी का, तो एक ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है मोहम्मद आजम खान के पास कि वो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम ले। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मोहम्मद आजम खान का सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत में बयान देते हैं, संसद में भी बोलते हैं, सड़क पर भी असदुद्दीन ओवैसी आजम खान की हिमायत में बोलते हैं। पिछली बार एक मीडिया ने इंटरव्यू लिया मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का, ओवैसी के बारे में उन्होंने सवाल किया तो अब्दुल्ला आजम ने ओवैसी की कोई मुखालफत नहीं की, दबे लफ्ज़ों में या गोल मोल जवाब दिया जिससे न तो उनकी तायद की ना उनकी मुखालफत की। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन यह भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कौमी सतह पर अगर कोई मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और हो सकता है कि माइम ज्वाइन कर लें मोहम्मद आजम खान। अगर ऐसा हो जाता है तो दो बड़ा चेहरा एक पार्टी में एक साथ आ जाएगा, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का और दूसरा मोहम्मद आजम खान का। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। आजम खान मारूफ पॉलिटिशियन है, ज़माना शनाश है, ज़ुबान के माहिर हैं। जब वो तकरीरें करते हैं तो हर कोई उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाता है, तो उनकी गुफ्तगू में चाशनी है, ज़ुबान में मिठास है। जब वो इंटरव्यू देते हैं तो जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी एंकरों को खामोश कर देते हैं, किसी एंकर की हिम्मत नहीं होती है, उससे ज़्यादा काबिलियत मोहम्मद आजम खान में पाई जाती है कि जब कोई एंकर उनका इंटरव्यू लेता है तो वो ऐसा बेबाकी के साथ जवाब देते हैं कि एंकर खामोश और बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। तो ये सारी खूबियाँ मोहम्मद आजम खान में भी पाई जाती है, लेकिन इसके इम्कान ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को सेकुलर पार्टियों के साथ जुड़ करके रहने का, सेकुलर चेहरा बनने का एक खुमार है। तो ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद आजम खान MIM ज्वाइन करें, लेकिन अलग हो जाते हैं समाजवादी पार्टी से तो उनके पास यही तीन ऑप्शन हैं। लोग यही चाहेंगे कि MIM में वो आ जाएं, कुछ लोग चाहेंगे कांग्रेस में आ जाए। BSP में जाने के ज़्यादा इम्कान नहीं है, क्योंकि BSP की खुल करके आजम खान मुखालफत भी करते रहे हैं और मुस्लिम लीडरों की BSP में कोई ज़्यादा इज्जत भी नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिस तरह जलील करके वहाँ से निकाला गया पूरी दुनिया ने देखा है, और अब दोबारा उनकी वापसी की बातचीत भी हो रही है। तो ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की सियासत का। जहाँ तक अखिलेश यादव का मामला है तो सच है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मुद्दों को उठाना बंद कर दिया है, वो खामोश हो चुके हैं और उन्हें लगता है अगर इख्तदार में आना है तो बिल्कुल BJP की आइडियोलॉजी पर ही चलना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि इसका शिकवा और भी दूसरे लीडरों ने किया है। मसूद अहमद ने भी चुनाव से पहले ही बागियाना तेवर अपनाया था और समाजवादी पार्टी पर कई सारा इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी टिकट बेच रही है, मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, मुसलमानों से नफरत कर रही है समाजवादी पार्टी, उससे दूरी बना रही है। हाल ही कल में शफीकुररहमान बर्क ने भी कहा है उस, और उनकी वीडियो का तस्करा मैंने कल के प्रोग्राम में किया था जिसमें बताया था कि उनसे पूछा जाता है कि क्या BJP मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, तो जवाब देते हैं BJP तो काम नहीं कर रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, लेकिन BJP छोड़ो, खुद समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। तो आम लोगों का तासुर है समाजवादी पार्टी के बारे में, और यह साफ है। कल मैंने बताया था कि गाजीपुर में एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया, सीतापुर का मामला पूरी दुनिया में छाया हुआ है जिसमें एक महंत धमकी देता है कि मुस्लिम महिलाओं को घर से उठाकर लाएंगे और उनका रेप करेंगे, और इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं जो UP से बाहर पेश आए हैं। किसी भी मामले पर अखिलेश यादव ने एक लफ्ज तक नहीं कहा है। बहरहाल यह था पूरा मामला। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि रमजानुल मुबारक के महीने में हम लोगों ने एक नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका मकसद गरीबों, कमजोरों और मजदूरों को इफ्तार कराना है, और यह काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आप भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं, मिलर टाइम्स से राब्ता कर सकते हैं। इनके होते ही अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका मकसद मुस्लिम ख्वातीन को एम्पावर करना है, रोज़गार देना है, उसके अलावा जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उन्हें इफ्तार कराना मकसद है। तो नेमत खाना प्रोजेक्ट को मिलर टाइम्स का सपोर्ट हासिल है,
रोजाना 100 पैकेट तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया है। एक पैकेट की कीमत 95 रुपए आती है। पहले दिन 100 पैकेट आज हम लोग तकसीम कर रहे हैं और स्टार्ट आगाज हम लोग कर रहे हैं। रोहिंग्या कैब से हम लोग आए हैं इफ्तार देने के लिए 100 पैकेट लेकर के। एक इफ्तार का पैकेट है, उसके अलावा एक पुलाव है और एक बोतल पानी भी शामिल है। तो हम सब लोगों को दे रहे हैं कि करके सब लोग आइए इधर आ जाइए। पहले आप आगाज कर रहे हैं इफ्तार का सामान बाबू स्टार्ट हो जाए। और मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।